हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है मिशन 2023 का, आज के सेकेंड यूनिट है ना, आज हम क्या देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड के विद्यार्थियों, जो कि एग्जाम्स होने वाला है नेक्स्ट मंथ, ठीक है, यानी कि आपका होने वाला है मार्च से पेपर है, और मार्च से पेपर में आप कितने तैयारी कर रहे हो उस पर आप अपना रिविजन चेक करो। भाई कैसे रिविजन करोगे? आप सिर्फ आप पूरा बुक खोल के नहीं देख सकते, आप सिर्फ और सिर्फ आपको रिवाइज करने की जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो बेटा आप लोग क्या कर रहे हो ये तो थोड़ा सा देख लो कि कितने पानी पर हो। पेपर आ गया है, अपने आप को चेक करने की जरूरत है। अब गया एक साल का जमाना गया, क्योंकि एक साल आपका निकल चुका है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट वन मंथ ही बचे हो। लास्ट वन मंथ में आप अपने आपको सिर्फ चेक करोगे कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है यूनिट सेकेंड का, पांच अंक का प्रश्न है, और पांच अंक के प्रश्न में आपको क्या क्या चीजें इंक्लूड करना है पेपर में, उतनी चीजों का आप ध्यान रखोगे। और आपको क्या यहां पर देखो, हम पहले ही बात कर रहे थे किसके बारे में, एक आपको बनाना है फ्लो चार्ट के बारे में, दूसरा आपके डायग्राम के को फोकस करना है, और तीसरा देखो फ्लो चार्ट डायग्राम विथ आपके पॉइंट वाइज लिखना, ये तीन चीजों को ही मेंशन करोगे 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो प्रश्न है, 3 आपके चैप्टर 5 अंक का सेकेंड यूनिट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। पहला प्रश्न क्या बेटा, डीएनए की संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है, 10वीं में भी पढ़ा हुआ है, 11वीं में भी है, और ये आपके 12वीं का भी है, तो नॉलेज हो ही गया होगा आपको। और देखो ये कब आया है, 2020 में आया है, ए बी सी तीनों सेट में आया है, लेकिन 21-22 में नहीं, मतलब 23 में आने के बिल्कुल चांसेस है 80%, ठीक है। अगर मैं 80% की बात करूं, ठीक है, मैं 100 ही बात कर रही हूं, 80 की बात कर रही हूं, क्योंकि इस चैप्टर से दो ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसका बिल्कुल चांसेस होता है क्या आने का, ठीक है। तो यहां पर से ये प्रश्न को ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ने का, क्योंकि आपके आया है 20 में, उसके बाद 21-22 में नहीं है, सीधा 23 में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। चलिए भाई स्टार्ट करेंगे, डीएनए की संरचना का वर्णन कीजिए, इसी को और एक और नाम से हम पेपर में दे सकते हैं, यानी क्वेश्चन जो आता है उसको हम कहते हैं क्या बेटा, इसको हम कहते हैं क्या, वॉटसन एवं क्रिक, ठीक है, वॉटसन एवं क्रिक का डीएनए मॉडल की संरचना को सचित्र समझाओ, ये भी पेपर में आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आंसर आपको कैसे लिखना है ये चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आंसर लिखने के पहले आपको आपको क्या पता होना चाहिए, तो आप मान लो जब डीएनए की संरचना पूछा तो सबसे भाई वैज्ञानिकों का आपको नाम याद होना चाहिए, भाई डीएनए की संरचना सबसे पहले किसने दी, तो 1953 में, ठीक है, 1953 में कब दिया था, वॉटसन एवं क्रिक ने, ठीक है, आपका कौन, वॉटसन एवं क्रिक ने, देखो ना कितना स्माइलिंग फेस है एकदम, मतलब स्मार्ट तो है ही, ठीक है, पहले के वैज्ञानिक लोग कितने स्मार्ट होते थे, नहीं क्या, देखो तो ये है आपके वॉटसन एवं क्रिक है, और वॉटसन एवं क्रिक ने ही सबसे पहले डीएनए के बारे में बताया था, डीएनए का मॉडल भी किसने प्रस्तुत किया था, वॉटसन एवं क्रिक ने ही प्रस्तुत किया था। तो ठीक है भाई, किया था तो क्या हो गया, किया था। अब डीएनए की हम बात करें तो डीएनए होता है क्या चीज है, बाद में देखो डीएनए कुछ इसी टाइप से दिखाई देता है, इसकी संरचना कुछ ऐसी ही होती है, सबको पता है, सबने देखा हुआ है, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करेंगे कि डीएनए जो होता है कहां पर पाया जाता है भैया, तो भाई साहब आप लोगों को पता है कि डीएनए जो होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ होता है, तो अनुवांशिक पदार्थ वाली चीजें कहां रहेंगी, कोशिका के कोशिका द्रव्य में, और कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, और केंद्रक में ही क्या पाया जाता है, आपका डीएनए पाया जाता है बेटा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम सीधा यहां आते हैं, ठीक है। देखो ये हमने क्या बना दिया, ये हमने बना दिया कोई कोशिका बना दी, ठीक है मैम, आपने कोशिका बना दी, अब क्या बनाएंगे भाई, हम बना देते हैं इसके अंदर हम बनाएंगे केंद्रक बनाएंगे, चलो भाई हम बना देते हैं क्या, यहां पर हम एक केंद्रक बना देते हैं, ठीक है, हम बना दिए क्या, यहाँ पर केंद्रक हमने बना दिया, ये कोई कोशिका बना दी और ये क्या है, ये केंद्रक बना दिया, ठीक है भाई, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर ही क्या पाया जाता है बेटा, केंद्रक के अंदर पाया जाता है क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ये हमारा क्या है, क्रोमोसोम्स। देखो हमने सबसे पहले क्या बात की, ये क्या है, एक कोशिका है, ठीक है, ये कोशिका है और कोशिका के अंदर क्या पाया गया है, ये है केंद्रक पाया गया है कोशिका के अंदर,
केंद्रक, और केंद्रक के अंदर क्या पाया गया है, केंद्रक के अंदर पाया गया है क्रोमोसोम्स पाया गया है। ध्यान रहे ये कोई कोशिका है, हमने क्या बात की डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है, यहीं पर लिख देती हूं तक आपको याद रहे, ठीक है। तो डीएनए जो होता है, डीएनए जो होता है ये क्या है बेटा, ये है आपका अनुवांशिक, ठीक है, ये क्या है अनुवांशिक पदार्थ होता है, अनुवांशिक डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है। देखे हमारे दादाजी के लक्षण हमारे माता हमारे पापा के में जाते हैं, ठीक है, मतलब हमारे दादा दादी के लक्षण जो होते हैं किस में जा रहे हैं, हमारे पापा के में जा रहे हैं, हमारे पापा मम्मी के लक्षण हमारे में आ रहे हैं, हमारी जिनसे शादी होगी हमारे बच्चों के में उनके लक्षण जाएंगे, मतलब जेनेटिक यानी कि अनुवांशिक पदार्थ, यानी कि कौन है अनुवांशिक पदार्थ, आपका डीएनए है, इसी के कारण ही आपके जो लक्षण होते हैं, लक्षण का जो स्थानांतरण होता है वो किसके कारण हो रहा है, डीएनए के कारण हो रहा है, ठीक है। तो डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी क्या होता है, स्थानांतरित होता है। तो डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल जो क्या करेगा, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, ठीक है, दूसरे पीढ़ी पर स्थानांतरित होता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है मैडम, ठीक है। तो डीएनए क्या अनुवांशिक पदार्थ, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी क्या होता है, स्थानांतरित होता रहता है। तो डीएनए कहां है, डीएनए कहां है, केंद्र के अंदर, केंद्र के अंदर क्या है क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम्स पर आपके डीएनए प्रेजेंट होते हैं। चलिए भाई देख लेते हैं कैसे क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं, मैडम आप तो बोल दिए, चलो ठीक है हम बना देते हैं। ये क्या है आपका क्रोमोसोम्स का संरचना, ठीक है, ये क्या है आपका क्रोमोसोम्स का संरचना, और क्रोमोसोम्स के संरचना में डीएनए इस तरह से लिपटे होते हैं धागेनुमा, ठीक है, द्विखंडित होता है सबको पता है, तो डीएनए इस तरीके से क्रोमोसोम्स पर लिपटे हुए होते हैं। तो ये आपका क्या है क्रोमोसोम्स, ये क्या आपका क्रोमोसोम्स, ये क्या आपका डीएनए, यानी कि यही आपका जो है अनुवांशिक पदार्थ है, और यही जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पर स्थानांतरित होता जाता है। चलिए इतना चीज आप लोग को पता चल गया, कहाँ है केंद्रक के अंदर में, इतना चीज हो गया, अब समझ आ गया डीएनए। अब बात करेंगे डीएनए, देखो अब एक चीज और, जब हम बोलते हैं कि इसके अंदर पाया जाता है तो सबसे पहले हम डीएनए नहीं बोलते थे इसके अंदर पाया जाते हैं, हम कहते थे क्या इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, क्या पाया जाता है केंद्र के अंदर न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। और जो ये न्यूक्लिक एसिड होता है बेटा ये दो प्रकार के होते हैं, न्यूक्लिक एसिड ही दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्या डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। देखो ध्यान देना मैं यहीं पर आप लोगों को बताते जा रही हूं, देखो यहां पर कर देते हैं भाई, चलो देखो न्यूक्लिक एसिड जो होता है, जो हमारे केंद्रक में न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक, पहला जो होता है डीएनए होता है और दूसरा जो होता है आरएनए होता है। डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है और आरएनए भी अनुवांशिक पदार्थ होता है, लेकिन कुछ में वायरस में, ठीक है, आरएनए भी अनुवांशिक पदार्थ होता है, अनुवांशिक पदार्थ होता है, लेकिन कहां कुछ कुछ वायरस में, ठीक है, कुछ वायरस में ही होता है, जैसे टीएमवी वायरस, ठीक है, टीएमवी वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, समझ रहे हो आप लोग, तो इन कुछ वायरस में, टीएमवी मतलब टोबैको मोजेक वायरस, ठीक है, तंबाकू सुने होंगे ना, टोबैको मोजेक तंबाकू में जो होता है वायरस, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं टीएमवी वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस, इनमें ही आरएनए अनुवांशिक पदार्थ के रूप में, जेनेटिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है, और डीएनए तो सभी में पाया जाता है, सारे जीव जंतु जो होते हैं उनमें सारे में ही अनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही पाया जाता है, ठीक है। आरएनए कुछ वायरस में ही अनुवांशिक पदार्थ होता है, बाकी सभी में, ठीक है, ध्यान रखना, बाकी सभी में जो जीव होते हैं उसमें आरएनए जो होता है वो प्रोटीन का, ठीक है, क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, निर्माण
करता है, ठीक है। अब इतनी चीजें थोड़ा सा ध्यान रखोगे, न्यूक्लिक एसिड के दो टाइप, डीएनए आरएनए। अब हम फिर से आते हैं वापस से हमारे डीएनए की तरफ। तो डीएनए जिसकी हम बात कर रहे थे कि केंद्र के अंदर पाया जाता है, यही जो है केंद्र के अंदर पाया जाता है, ठीक है। केंद्र के अंदर पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, ये केंद्र के अंदर पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं भाई डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीएनए का पूरा नाम होता है डी, दिखाती हूं यहां पर लिख करके देखो। सबसे पहले आपको लिखना है डीएनए, हमने अनुवांशिक पदार्थ बता दिया, तो डीएनए का पूरा नाम क्या है भाई साहब। तो डीएनए का पूरा नाम हम क्या लिखते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। क्या लिखते हैं हम, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं डीएनए का पूरा नाम। और आरएनए की बात बोले तो राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। इतनी चीजें क्लियर है, तो डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो गया। अब सबसे पहले जो प्रश्न पूछा उसकी हम फिर से बात करेंगे। डीएनए की संरचना को समझाने के लिए कहा गया है, तो भाई डीएनए हमने बता दिया कि वॉटसन एवं क्रिक ने दिया, जेनेटिक पदार्थ होता है, ये हमने सारी चीज बोल दिया। अब हम बात करेंगे इसके संरचना की, हम बात करेंगे कि डीएनए की संरचना क्या होता है। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की अगर हम संरचना देखेंगे तो डीएनए जो होता है पॉलीमर न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो डीएनए क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक, ठीक है। क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होता है। अब भाई आपने कहा मैडम डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीजें होती हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, तो ठीक है। अब मतलब पूरा डीएनए का जो संरचना देखोगे तो न्यूक्लियोटाइड से ही ये मिलकर बने होते हैं। तो कितने न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, तो आप याद रखोगे डीएनए जो होता है दो पॉली न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, पॉली न्यूक्लियो, ठीक है, दो पॉली न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब मैडम आप बोल दिए पॉली, दो पॉली न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, चलिए भाई संरचना को देखते हैं तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक। ध्यान दीजिए हमने अभी बात की किसके, न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात की थी। चलो भाई हम दिखा देते हैं डीएनए की संरचना, सीधा आते हैं इस पर। देखो ये है एक डीएनए की संरचना है। अब डीएनए की संरचना में आप देख रहे हो डीएनए की जो संरचना होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है। अभी हम बात यही किए है ना, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है, मतलब न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होती है, न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला से बनी होती है। तो यहां पर याद रखेंगे डीएनए जो होता है द्विकुंडलित संरचना होती है, डबल हेलिक्स एक और दो, द्विकुंडलित इस तरह से, ठीक है, द्विकुंडलित संरचना होती है। और द्विकुंडलित संरचना को ध्यान से देखोगे तो आपको क्या चीजें दिखाई दे रही है, आपको दिखाई दे रहा है एक ये वाला संरचना दिखाई दे रहा है और दूसरा ये वाला संरचना दिख रहा है, यही दिख रहा है कि नहीं, एक ये हो गया और दूसरा ये संरचना दिखा रहा है। मतलब ये है कि डीएनए को अगर ध्यान से देखोगे आप तो द्विकुंडलित संरचनाएं दिखाई देती है, ठीक है। चलिए आगे अब मैं इसको बना के दिखाऊं तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, चलो इसको बना के दिखाते हैं भाई, तभी आपको समझ आ जाएगा। वापिस आते हैं यहीं पर, चलो देखो अभी हमने क्या बात की डीएनए की संरचना की, तो एक संरचना जो होता है, एक संरचना जो होता है ये हमने बना दिया एक संरचना, ठीक है, ये हमने क्या बना दिया एक संरचना। और दूसरा जो है ये हम बना देते हैं क्या, ये दूसरा संरचना, कोई दिक्कत नहीं है मैडम, आप तो बना ही दिए हो डीएनए का द्विकुंडलित संरचना, एक कुंडलित संरचना ये हो गया और दूसरा द्विकुंडलित जो संरचना है ये आपने इधर भी बना दिया, ठीक है भाई हमने बना दिया, यही आपका डीएनए का द्विकुंडलित संरचना हो गया। एक सिरा जो होता है, एक सिरा होता है थ्री डेज एंड होता है, दूसरा सिरा जो होता है बेटा फाइव डेज एंड होता है, ठीक है। और एक सिरा जो होता है वो इधर देखिए फाइव डेज एंड होता है, एक सिरा जो होता है थ्री डेज एंड होता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तीन हो गया,
देखो एक इधर मैं कर सकती हूँ, इधर तीन है तो इधर हम पांच है, ठीक है पांच हो गया, तीन हो गया, तो एक सिरा थ्री डेज एंड और एक हो गया क्या फाइव डेज एंड होता है, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, फाइव इधर और थ्री इधर हो जाएगा। चलिए अब डीएनए की अगर संरचना देखोगे तो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला ये हो गई, दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला ये वाली हो गई। तो भाई हमने कहा ना पॉलीन्यूक्लियोटाइड बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, तो एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीजें पाई जाती है, तो एक बेटा ध्यान रहे एक न्यूक्लियोटाइड में एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीजें पाई जाएंगी, अब ध्यान दो यहां पर। अब पाया जाता है बेटा इसमें पी प्लस एस और एन पाया जाता है, ठीक। अरे ये क्या बोल दिया मैम, पी प्लस एस और एन, नहीं क्या है ये पी प्लस एस, क्या है फॉर्मूला नहीं है कुछ, पी का मतलब होता है फॉस्फेट, क्या है फॉस्फेट, फॉस्फोरिक अम्ल फॉस्फेट, एस का क्या मतलब है भाई, एस का मतलब होता है शुगर सरकरा, ठीक है पेंटोज पेंटोज सरकरा, ठीक है। अब एन का क्या मतलब होता है मैडम, नाइट्रोजन क्षार, क्या है नाइट्रोजन क्षार। इतनी चीजें ध्यान रखो, जो डीएनए है डीएनए को ध्यान रखो, डीएनए किससे मिलकर बना है, न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला है, एक न्यूक्लियोटाइड, भाई न्यूक्लियोटाइड की इतनी सारी मैंने श्रृंखला बना दी, ठीक है। और एक श्रृंखला जो है इस तरीके से देखो, एक न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला ये हो गई और दूसरे न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला क्या हो गई, ये हो रही है, समझ रहे हो आप लोग, ये देखो एक न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला क्या है, ये हो गई, इतनी सारी न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला है। तो एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या है भाई, आपका फॉस्फेट है, आपका पेंटोज सरकरा है, आपका नाइट्रोजन क्षार है। ओके मैडम अब समझ आ गया, ठीक है तीन चीजें पाई जाती है न्यूक्लियोटाइड में, तो मतलब इसमें होगा, सीधी सी बात है इसमें होगा। अब बात करेंगे नाइट्रोजन क्षार मैडम, तो नाइट्रोजन क्षार कितने प्रकार के होते हैं, तो नाइट्रोजन क्षार बेटा दो प्रकार के होते हैं, यहीं पर लिख देते हैं नाइट्रोजन क्षार दो प्रकार के, यहां पर बना दूं क्या, चलो एक बना देते हैं क्या, एक होता है जिसको हम कहते हैं क्या प्यूरीन कहते हैं बेटा, एक को क्या कहते हैं प्यूरीन, क्या है यहां पर लिख देते हैं भाई प्यूरीन होता है, इसी का आगे देखो नाइट्रोजन क्षार, एक प्यूरीन होगा और दूसरा जिसको हम कहते हैं पिरामिडीन कहते हैं बेटा, ध्यान रहे इसको लिखना है पेपर में, एक प्यूरीन और एक पिरामिडीन होता है। तो प्यूरीन में क्या क्या आता है मैम, प्यूरीन के अंदर आता है बेटा एक आएगा आपका क्या, एक होता है जिसको हम कहते हैं एडिनिन, क्या कहते हैं एडिनिन, दूसरा क्या है ग्वानिन, एडिनिन और ग्वानिन किस में आता है प्यूरीन में आता है। नेक्स्ट क्या है पिरामिडिन मैडम, तो पिरामिडिन में क्या आएगा मैडम, पिरामिडिन में आएगा बेटा ए जी हो गया, तो पिरामिडिन में आता है थायमिन और क्या होता है साइटोसिन, ए जी टी सी, एडिनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन, यहां पर लिख देती हूं अगर नहीं समझ आ रहा होगा तो, एक लिखा है ए मतलब एडिनिन, ठीक है एक लिखा है क्या जी यानी कि ग्वानिन, एक लिखा है क्या टी यानी कि थायमिन, एक लिखा है सी मतलब सी क्या है साइटोसिल, ठीक है साइटोसिल, मतलब चार टाइप के आपके क्या है नाइट्रोजन क्षार होता है। इतना चीज क्लियर है, नाइट्रोजन क्षार दो प्रकार के प्यूरिन और पिरामिडिन, तो प्यूरिन में क्या है एडिनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन किस में आता है पिरामिडिन में आता है। इतनी चीज क्लियर हो गई, चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं है, अब हो गया इतना चीज। तो डीएनए जो होता है द्विकुंडलित संरचना होती है, द्विकुंडलित संरचना होती है डीएनए जो होता है द्विकुंडलित संरचना है, एक सिरा जो होता है थ्री डैश एंड होता है, दूसरा सिरा जो होता है फाइव डैश एंड होता है, ठीक है। जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं एक न्यूक्लियर में क्या क्या चीजें पाई जाती है, फॉस्फेट पेंटोज सरकरा नाइट्रोजन क्षार होता है। नाइट्रोजन क्षार कितने प्रकार के, दो प्रकार के, प्यूरिन और पिरामिडिन। प्यूरिन अब देखो एक चीज, ए जो होता है बेटा एडिनिन जो होता है थायमिन के साथ ए टी के साथ जुड़ता है, बंध के द्वारा जुड़ेगा, ए एडिनिन जो है
थायमिन के साथ बंध के द्वारा जुड़ता है। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन बंध के साथ जुड़ जाता है। हाइड्रोजन बंध के साथ ही जुड़ता है। कौन सा हाइड्रोजन बंध? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ही आपस में ये जुड़े रहते हैं, यानी कि प्यूरिन पिरामिडिन के साथ जुड़ा है, यही तो हुआ ना, ठीक है। प्यूरिन है ए और पिरामिडिन है टी, तो दोनों ही ए और टी जो होते हैं हाइड्रोजन बंध के साथ, डबल हाइड्रोजन बंध के साथ आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और जो आपका जी होता है ग्वानिन और आपका सी होता है साइटोसिन, वो आपके ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इतना चीज आपको याद रखना है क्योंकि अभी मैं इस डायग्राम में बनाने वाली हूं, ठीक है। तो आप लिखोगे प्यूरिन पिरामिडिन, न्यूक्लियोटाइड में प्यूरिन होता है, पिरामिडिन होता है, प्यूरिन हमेशा पिरामिडिन के साथ जुड़ा होता है, ये आप लिखोगे पेपर में। एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ जुड़ा होता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ या ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है, ये आप पूरा लिखोगे। तो अब आते हैं वापस से संरचना में। तो डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है। अब हमने लिख दिया क्या यहां पर, देखो डायग्राम में क्या क्या चीजें आएंगी। तो यहां पर ध्यान देना ए और टी, यहां हम बना दिए ए डबल बॉन्ड टी, चलो भाई हमने बना दिया ए टी, ठीक है। अब बना देते हैं जी ट्रिपल बॉन्ड सी, ठीक है भाई मैडम जी और सी भी बना दिए। फिर बना देते हैं हम टी डबल बॉन्ड आपका ए, चलो भाई हमने बना दिया। इस तरीके से पूरा न्यूक्लियोटाइड का जो क्रम होता है आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये दिख रहा है ना आपको हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा कैसे जुड़ा हुआ है, ये इस तरीके से ही क्या होता है आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, न्यूक्लियोटाइड का क्रम। तो इस तरह एक कुंडलिनी में, एक कुंडली में टोटल 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। एक कुंडली में टोटल 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं और 10 न्यूक्लियोटाइड, एक कुंडली में टोटल 10 न्यूक्लियोटाइड है और एक कुंडली में 10 न्यूक्लियोटाइड के बीच की जो डिस्टेंस होता है, एक कुंडली में 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं और न्यूक्लियोटाइड 10 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होती है, 10 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, 10 न्यूक्लियोटाइड की बीच का डिस्टेंस, दूरी कितनी होती है, दूरी कितनी होगी, 34 एंगस्ट्रॉम होती है भाई साहब, ठीक है। ए 10 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी है, 34 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। और एक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितना होगा, फिर एक न्यूक्लियोटाइड का बीच का दूरी जो होता है, एक की बात करें सिर्फ एक, तो यहां पर याद रखना 3.14 एंगस्ट्रॉम होता है। ये 34 एंगस्ट्रॉम होता है, ये 3.14 एंगस्ट्रॉम होता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। चलिए अब याद रखेंगे दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बीच का व्यास कितना होता है बेटा, तो ये होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है, 20 उसकी दूरी कितनी है, व्यास 20 एंगस्ट्रॉम पाया जाता है। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बीच का व्यास कितना है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई, चलिए भाई हो गई। अब एक चीज और याद रखेंगे, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से, एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किससे जुड़े होते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। इसको भी आप नोट करेंगे, यहीं पर नोट करेंगे, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फोडाइएस्टर बंध से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी पेपर में, ठीक है। तो ये है आपका मेन डीएनए का संरचना, ये पूरा आपको लिखना है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन न्यूक्लियोटाइड, ये पूरा क्रम आप लिखोगे तब जाके आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। अब चीज एक, मैडम आप तो बोले डायग्राम बनाने, आपने फ्लो चार्ट के बारे में तो बताया नहीं, तो भाई साहब ये इतने देर से तो बक रही हूं, वो क्या है, बड़बड़ा रही हूं ना मैं, तो ये क्या है, नाइट्रोजन क्षार जो है प्यूरिन पिरामिडिन आपको लिखना है। देखो आपको जो फ्लो चार्ट है,
फ्लो चार्ट आपको इस तरीके से लिखना है। कैसे लिखना है भाई, आप वहां पर लिखोगे डीएनए के बारे में। सबसे पहले जब लिखे, ठीक है, यहां पर हमने डीएनए के बारे में बताया ना, तो डीएनए में ही यहीं पर एक फ्लो चार्ट बना देना। कैसे फ्लो चार्ट बनाओगे, ये आपका पूरा 5 नंबर का प्रश्न फिर बन जाएगा। देखो ये हम बता देते हैं यहां पर। जैसे आपने सबसे पहले डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड लिख लिया, आप लिखोगे इसके कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं भाई, यहां पर आप लिखोगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्षार, ठीक है, फिर फॉस्फेट समूह, फिर लिखोगे क्या, तीसरा क्या है आपका, पेंटोज, पेंटोज शर्करा, ये हमने लिख दिया। फिर आप लिख दो नाइट्रोजन क्षार कितने प्रकार के हैं भाई, आप लिखो यहां पर प्यूरीन, और यहां पर लिखोगे क्या, पिरामिडीन, ठीक है। ऐसा पूरा फ्लो चार्ट बनाना। प्यूरीन कितने प्रकार के मैडम, प्यूरीन है ए और टी, एडिनिन और एडिनिन और ग्वानिन, आप पूरा लिखना वहां पर, ठीक है, एडिनिन और ग्वानिन। पिरामिडीन कितने प्रकार के हैं भाई, आप पूरा लिखो, क्या लिखोगे, साइटोसिन और थाइमिन, ये पूरा लिखो, ठीक है। तो इतना पूरा लिखोगे, फ्लो चार्ट बना दिया हमने, एक डायग्राम बना दिया हमने, ठीक है, एक डायग्राम बना दिया हमने, ये सारे चीज लिख दिया हमने, आपका 5 अंक आप बताओ, कौन बताओ, कौन आपको देने से रोक देगा, क्या कोई 5 अंक यहां से आपको कहीं छोड़ छीन लेगा क्या, इतना बनाओगे तो, नहीं कोई छीनेगा। तो इतना बनाओगे तो 5 अंक आपका कहीं नहीं गया है, इतना काफी है, सफिशियंट है। आप अपने साइंटिस्ट का नाम लिख दिया, संरचना बता दी, क्या होता है ये बता दिया, फुल फॉर्म बता दिया, डायग्राम बता दिया, फ्लो चार्ट बता दिया, 5 अंक आपसे कोई छीन नहीं सकता, इसका मैं दावा करती हूँ, ठीक है। तो चलिए भाई, आज के लिए इतना काफी है, आगे नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा 5 अंक के ऊपर ही होगा। सेकेंड यूनिट से जो जो 5 अंक के क्वेश्चन बनते हैं उसमें मैं बात करूंगी, और कुछ क्वेश्चन वहां पर लिख दूंगी, उसको आपको खुद से भी पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए, मुझे इजाजत दीजिए, अब इतना काफी है आज के लिए, धन्यवाद।